What do you mean by activity and selectivity of a catalyst? Catalyst की activity और selectivity से आप क्या समझते हो? देखो सिंपल इंग्लिश के शब्द हैं दोनों। एक्टिविटी मतलब वो कितना एक्टिव है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को करवाना, रिएक्शन को होने में हेल्प करना, ठीक है ना? तो वो रिएक्शन को होने में कितना हेल्प करता है, हम बोलेंगे उतना ही एक्टिव है। टेक्निकल टर्म में बोले वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कितना कम करता है, उतना ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है? सिलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक रिएक्शन को तो होने में हेल्प करेगा, दूसरी को होने में हेल्प नहीं करेगा, ये सिलेक्टिव होता है। समझ आई बात है? ऐसा नहीं कि एक कैटलिस्ट ले लिया और दुनिया में जितनी रिएक्शन है सबको ही करवाने में हेल्प करता रहेगा, ऐसा नहीं है। एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही होने में हेल्प करेगा, सिलेक्टिव है वो। समझ आई बात? एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी को समझ में आ गया? अब लिखना कैसे है देखो। द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ केमिस्ट ऑप्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कि एडसॉर्प्शन, मतलब केमिस्ट ऑप्शन। जो देखो नॉर्मली जब कैटलिस्ट का काम करते हैं तो केमिस्ट ऑप्शन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे इसकी एग्जांपल लूँ मैं, अगर पैलेडियम ले लो, निकल पैलेडियम प्लेटिनम ले लो, रिएक्शन आपको इसमें करनी है H2 और इसमें रिएक्शन करनी है, सिंपल अपना ये एग्जांपल, ठीक है? तो क्या होता है, पहले H और H यहाँ पे आके बैठ जाता है ऐसे, ठीक है? बैठेगा ऐसे आके और फिर इनमें बॉन्ड टूटेगा। H यहाँ बैठना शुरू करेगा और आपस में इसका बॉन्ड टूटने लगेगा। थोड़ी देर बाद देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, प्लेटिनम H H इसके साथ ऐसे जुड़ा पड़ा है। तो ऐसे तो प्लेटिनम के साथ जुड़ गया ना, तो प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बना लिया, तो केमिस्ट ऑप्शन ही हो गया ना, ठीक है ना? तो जितना केमिस्ट ऑप्शन का स्ट्रेंथ होगा उस बात पे डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट कितना एक्टिव है। समझ में आई बात? द रिएक्टेंट्स मस्ट गेट एड्सॉर्ब्ड रीजनेबली स्ट्रांगली ऑन द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। जो एड्सॉर्प्शन है रिएक्टेंट की वो कैटलिस्ट की सरफेस पे बहुत स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक स्ट्रांग होनी चाहिए। रीजनेबल स्ट्रांग मतलब ठीक ठाक स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब वो ठीक ठाक स्ट्रांग होगा एडसॉर्प्शन, तभी जाके वो कैटल रिएक्टेंट रिएक्ट करने के लिए एक्टिव होंगे। समझ यही बात है। हाउएवर दे मस्ट नॉट गेट एडसॉर्ब्ड सो स्ट्रांगली दैट दे आर इमोबलाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट विद नो स्पेस ऑन कैटलिस्ट सर्फेस फॉर एडसॉर्प्शन। मतलब ऐसा नहीं कि वहां घर बना के बैठ जाए वो रिएक्टेंट और यहाँ चिपक ही जाए पूरा जोर शोर से, क्योंकि यहाँ होगा फिर बाकी नहीं आ पाएंगे, इसी ने यहाँ घर बना लिया। समझ में आई बात? तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए केमिस्ट ऑप्शन, ठीक ठाक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये एक्टिविटी, तो एक्टिविटी किस रिएक्टेंट किस कैटलिस्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी? जिसमें केमिस्ट ऑप्शन की स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट सी है, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, क्योंकि दोनों चीजें आपने करानी है, एडसॉर्प्शन भी करानी है डिसॉर्प्शन भी करानी है। इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, अब ये एग्जाम्पल बता रहा है, ये तो उसने बताया कि कंडीशन क्या है, एक्टिविटी मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है ये बताया। अब क्या बता रहा है, एग्जाम्पल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाती है, हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या बोलता है, कैटलिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 विद मैक्सिमम एक्टिविटीज बीइंग शोन बाय 7 to 9 एलिमेंट्स ऑफ द। तो 7 से 9 ग्रुप में जो आते हैं प्योरिटी में एलिमेंट, उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया एक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्टिवली, ठीक है ना? देखो जैसे देखो इन तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तीनों में ही ये रिएक्टेंट है। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट निकल डाला तो मीथेन और हाइड्रोजन बनेगा, अगर आपने कैटलिस्ट ये डाला CuZn और Cr2O3 तो मीथेनॉल बनेगा, अगर आपने कैटलिस्ट कॉपर डाला तो मीथेनल बनेगा। समझ में आई बात? तो क्या कर रहा है, जो कैटलिस्ट है वो किसी रिएक्शन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज रहा है कि तुम यहां जाओ तुम यहां जाओ, डायरेक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, रिएक्टेंट सेम है प्रोडक्ट
अलग अलग बन गए, ठीक है ना। वेन अंडर सेम रिएक्शन कंडीशन मैनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, जब सेम रिएक्शन कंडीशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हों तो कैटलिस्ट एक तरफ उसको डायरेक्ट कर दे, नहीं तो ये कर ले सिलेक्टिविटी, ठीक है ना। सिलेक्टिविटी फॉर डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर सेम रिएक्टेंट इज डिफरेंट, तो सिलेक्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। यही बात है, निकल की सिलेक्टिविटी इन दोनों के प्रति डिफरेंट है, वो मीथेन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद एच टू एंड सी ओ एंड यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। दस इट कैन बी इन्फर्ड दैट एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट इज हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, तो सिलेक्टिव होता है कैटलिस्ट का एक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन वन रिएक्शन मे फेल टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन में तो कैटलिस्ट का काम करेगा, हो सकता है दूसरे में ना करेगा।